गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में स्टडी की थी, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि आरएस अगर अपने को पढ़ना है तो उसका सेक्शन नंबर जो था 5, 6, 7 और 9, इन सेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था और 8 सेक्शन हमारा लेस डाउन हो चुका था। अब हम बात कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी अगर अपने को निकालना है तो उसके लिए बेसिक कंडीशन हमें कौन कौन सी ध्यान में रखनी है, और सेकंड जो चीज है मेन वो है कि सेक्शन नंबर 6 कैसे अप्लाई होगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें दे रखा है बेसिक रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग आरएस। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए आपका बेसिक रूल क्या होना चाहिए। इट इज अ डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन। आपको डिटरमाइन अगर इसे करना है तो पर्सन की हर कैटेगरी के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी होगी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, एओपी हो, बीओआई हो, एजेपी हो, फर्म हो, ओपीसी हो, कोई भी हो, आपको एचयूएफ हो, आपको हर पर्सन की कैटेगरी के लिए अलग से उसे डिटरमाइन करना है। जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था सेक्शन नंबर 6(1) है वो किसके बारे में स्टडी कर रहा है, इंडिविजुअल के बारे में। 6(2) है वो किसकी बात कर रहा है, एचयूएफ की। 6(3) और 4 थे कंपनी और अदर देन, इन तीनों के अलावा। 5 खाने और 6 में क्या दे रखा था, 6(6) में उसने दे रखा था एडिशनल कंडीशंस। तो इट इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्संस सेपरेटली, आपको सेपरेटली उसका निकालना पड़ेगा पृथक-पृथक अलग-अलग रूप से, बिकॉज़ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग आरएस आर डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल एंड फॉर कंपनी। आपको उसके लिए कंपनी का और इंडिविजुअल का जो आरएस है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसके बारे में कह रहा है टोटल इनकम ऑफ पर्सन कैन बी डिटरमाइंड विदाउट नोइंग हिज आरएस। अगर आपको उसका आरएस निकालना है, उसको नोइंग करना है, तो वो कब तक नहीं हो सकता उसकी टोटल इनकम पर्सन की, जब तक कि आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस ना पता हो। तब तक आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालोगे तो आप उसकी टोटल इनकम पर्सन की नहीं निकाल सकते। इसमें कह रहा है कि आरएस ऑफ अ पर्सन इज टू बी डिटरमाइंड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर बिकॉज इट मे बी चेंज ईयर टू ईयर। अगर आपको एक पर्सन की इनकम को एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, तो आपको उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस ईयर टू ईयर क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साल दर साल उसकी निवासी स्थिति बदल सकती है, वो इंडिया में ज्यादा रहे, बाहर चला जाए, कुछ और हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका आरएस निकालना है। अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट मोर देन वन कंट्री फॉर सेम प्रीवियस ईयर। आप एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही व्यक्ति आपका रेजिडेंट हो सकता है मोर देन वन कंट्री, एक देश से ज्यादा देशों में, फॉर सेम प्रीवियस ईयर, एक ही प्रीवियस ईयर में वो एक से ज्यादा देशों में रेजिडेंट बन सकता है एसएससी। फॉरेन सिटीजन मे बी रेजिडेंट इन इंडिया, आपका जो फॉरेन सिटीजन है वो भी इंडिया में रेजिडेंट हो सकता है, और जो इंडियन सिटीजन है मे बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, और वो भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है इंडिया में। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको आरएस के बारे में बताया था, इसके अलावा मैंने चारों सेक्शंस का इंक्लूड दिया था। 5 में आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ना है, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, 6, 7 और 9 में आपको प्लेस ऑफ अप्रूवल और प्लेस ऑफ रिसिप्ट की बात करनी है। तो सेक्शन नंबर 5 को स्टडी करने से पहले आपको उसका आरएस निकालना है, रेजिडेंशियल स्टेटस 6 को स्टडी करना है, 7 को करना है, 9 को करना है, फिर जाकर के आप सेक्शन नंबर 5 को कंक्लूड करोगे, ठीक है। तो इसमें आज मैंने आपको उसके बेसिक रूल्स बताए कि आपको आरएस अगर निकालना है तो उससे पहले आपको ये मिथ जो धारणाएं हैं वो अंडरस्टूड करनी पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एक एक करके सेक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है हाउ टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर सेक्शन 6। आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग आपको आरएस अगर उसका निकालना है तो वो कैसे डिटरमाइन होगा, उसकी बेसिक कंडीशन। इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज सैटिस्फाइड। शब्द आ रहा है एनीवन। देखो स्टूडेंट, जब भी एनीवन शब्द यूज होगा तो आपको दो कंडीशंस दे रखी हैं, अगर आपने उसमें से एक भी कंडीशन सैटिस्फाई कर दी तो ये पता चल जाएगा कि वो जो असेसी है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। तो इसका मतलब अगर मैं बेसिक कंडीशन के आगे लिख दूं तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका आरएस रेजिडेंट एंड वर्सेस नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया एनआरआई, रेजिडेंट और एनआरआई के बारे में बता रहा है कि अगर आपने इन दोनों में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया एनीवन, देन असेसी विल बी रेजिडेंट। तो असेसी क्या बन जाएगा, आपका रेजिडेंट बन जाएगा। ही स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। देखो स्टूडेंट, जब भी और शब्द होगा ना, या तो आप ये वाला या ये वाला कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर दो, सेटिस्फाई हो जाएगा। जरूरी नहीं है असेसी 182 दिन से ज्यादा रहा हो, अगर 182 डेज इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर
जिसमें आप अकाउंटिंग ईयर की उसकी इनकम ले रहे हो, उस ईयर में अगर वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में स्टे किया है उसने, तो उसकी भी इनकम क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। और इफ ही स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग फॉर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है स्टूडेंट इसका? देखो वो ये कह रहा है सेक्शन नंबर 61 में बेसिक कंडीशन के बारे में बता रहा है। अगर आपने दो कंडीशंस दे रखी हैं, दो में से अगर आपने एक कंडीशन को भी अगर उसका फुलफिल कर दिया, इसका मतलब आप रेजिडेंट बन गए, और अगर आपने दोनों को फुलफिल कर दिया तो भी रेजिडेंट बन गए, और दोनों में से दोनों को ही नहीं किया तो आप NRI बन जाओगे। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, अब कंडीशन क्या है वो समझनी है। पहला कंडीशन सेक्शन 61A में क्या दे रखा है, 61A ये सेक्शन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, और उसका सबसेक्शन 1 है और क्लॉज ए है। वो क्या कह रहा है कि रेजिडेंट जो है, सॉरी जो असेसी है, वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, स्टे किया हो उसने, ठीक है। दूसरी कंडीशन लिख रही है इफ ही स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर, कब, ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आप जिस साल के प्रीवियस ईयर की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, असेस कर रहे हो असेसमेंट ईयर में, उस साल उसकी जो इनकम है लास्ट ईयर की, वो क्या होनी चाहिए, 60 दिन या उससे ज्यादा वो इंडिया में स्टे किया हो। सेकंड, 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर, कौन से वाले, जस्ट प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, आपका जो लास्ट प्रीसीडिंग ईयर था उससे जस्ट पहले वाले जो 4 साल हैं, उन चारों सालों में मिलाकर के टोटलिटी में 365 दिन या उससे ज्यादा वो इंडिया में रहा हो। तो स्टूडेंट कहने का क्या मतलब है, आपसे कह रहा है वो कि अगर आपको उसका रेजिडेंट और NRI के बारे में पता करना है तो सबसे पहले इन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या, या तो वो लास्ट प्रीवियस ईयर में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, या फिर 60 दिन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर में, या फिर उसके साथ साथ ये दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आपको स्टडी करना है। क्या, 365 दिन और उससे ज्यादा पिछले 4 सालों में इंडिया में रहा हो। तो स्टूडेंट जैसे मैंने यहाँ लिखा जेपी जस्ट प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर या इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इसका क्या मतलब है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। क्या मतलब है वो सुनना, बोथ कंडीशंस सेटिस्फाई देन असेसी विल बी रेजिडेंट। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है असेसी तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। अगर बोथ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर एक कंडीशन भी अगर वो सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, वो भी रेजिडेंट बन जाएगा। यहां लिख रहा है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज सेटिस्फाइड, ये दो पॉइंट हो गए। इसके अलावा अगर वो वन कंडीशन को भी अगर वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई अगर कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, वो भी रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। एक उसके बाद में कह रहा था डे ऑन व्हिच He enters in India as well as leaves India shall be taken into account. जब आप residential status के लिए उसके days को count करोगे, तो वो India में कब आया और कब गया, days में, जिस दिन की बात हो रही है, arrival और departure, उस day को भी उसमें शामिल into account शामिल किया जाएगा। Previous year relevant previous year का student मैंने बताया था यहाँ पे क्या मतलब है, वो मैंने यहाँ लिखा है कि previous year is 14-15. अगर आपका previous year 14-15 है, इसका मतलब आपका assessment year कौन सा है, 15-16. तो 14-15 आपका प्रीवियस ईयर है, तो वही आपके लिए क्या है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, संदर्भित पिछला वर्ष, ठीक है। और उससे जस्ट पहले वाले जो आपके 4 साल हैं, देन प्रीवियस ईयर 13-14, 12-13, 11-12 और 10-11, ये जो 4 साल हैं, दिस इज जस्ट प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 4 साल आपके जस्ट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर स्टूडेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब स्टूडेंट आपको बेसिक कंडीशन में इंडिविजुअल की में यही ध्यान रखना है, या तो वो 182 दिन उससे ज्यादा इंडिया में रहा है, या फिर ये जो बी कंडीशन है उसमें दो पॉइंट दे रखे हैं, 60 दिन और 365 दिन पिछले 4 सालों, पिछले साल से पहले वाले 4 सालों में, तो ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई करनी है, या फिर 182 दिन। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन, देखो इसमें यहाँ पे और शब्द यूज हुआ है, और का मतलब होता है अथवा, इन दोनों में से एक, अगर एक भी कंडीशन आपकी इसमें से सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे, और अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुई देन नॉन रेजिडेंट, ठीक है। मैंने बता दिया इंडिया में अराइवल की और डिपार्चर के दोनों दिन आपको काउंट करने हैं रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर में जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर था जस्ट प्रीसीडिंग वो कैसे काउंट करना है, आपका जो असेसमेंट ईयर है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपका असेसमेंट ईयर, अगर आपका असेसमेंट ईयर 2015 से 16 है तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा,
14-15 तो वही आपके लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कहलाएगा, और उससे पहले वाले जो 4 साल है वो आपके लिए जेपीआरपीवाई जस्ट प्रेसिडेंट रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने सेक्शन नंबर 6 के बारे में बेसिक कंडीशन जो है इंडिविजुअल की सेक्शन 6(1) वो कवर कर लिया, बेसिक रूल्स आपको बता दिए, तो ऑलमोस्ट हमारा सेक्शन नंबर 6(1) की जो बेसिक कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा इसकी एडिशनल कंडीशंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।